हरिद्वार की शिवालिक नगर पालिका के अध्यक्ष राजीव शर्मा मीडिया कर्मियों के बीच पहुंचे, जहां उनका ग्लोबल मीडिया ग्रुप के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि हरिद्वार का नगर पालिका क्षेत्र शिवानगर हालांकि काफी पॉश इलाका है, लेकिन अनियमितताओं के चलते ये क्षेत्र हमेशा से ही संवेदनशील रहा है, क्योंकि यहां पर साफ सफाई की व्यवस्था, शिविर की समस्या और गर्मियों के मौसम में डेंगू बीमारी की समस्या काफी चरम पर रहती है। पहली बार नगरपालिका बनी और बीजेपी के सशक्त उम्मीदवार राजीव शर्मा ने जीत दर्ज की। वहीं बुद्धिजीवी लोगों का भी मानना है कि जिस तरह से बीजेपी के बागी नेताओं के द्वारा राजीव शर्मा का भारी विरोध किया गया, उसके बावजूद जीत दर्ज करना अपने आप में एक मिसाल है। देखिए, राजीव शर्मा जी ने जिन विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ा और जीता, बहुत काबिले तारीफ है, क्योंकि भाजपा के बहुत से कार्यकर्ता वहाँ पे उनके खिलाफ हो गए थे उस समय में। लेकिन राजीव जी ने जैसे ही चुनते और चुनने के बाद जिस तरह से अपनी कार्यशैली को दिखाया, वो कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। पूरे क्षेत्र का दौरा किया उन्होंने डीएम साहब के साथ, उसके बाद उन्होंने अपने क्षेत्र को शिवाली नगर पालिका, क्योंकि प्रथम नगर अभी नगर पालिका है, उसमें पहली बार चेयरमैन चुना गया है, और उन्होंने कहा कि मेरा कार्य ही मेरा कार्यकर्ताओं को जवाब होगा। काम वहाँ बहुत है करने को, क्योंकि अब से पहले कुछ था नहीं। अभी प्राथमिकता तय की है, योजनाएँ बनाई हैं, बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट की डीपीआर बन रही है, छोटे कामों के लिए एस्टीमेट बने हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि होली से पहले पहले काम धरातल पर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। क्षेत्र में करने को बहुत है, उन्होंने अपना काम किया और अब हमारे मेरी और मेरे बोर्ड की जिम्मेदारी है उनको धन्यवाद देना काम के माध्यम से। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।